पूरे दुनिया में बता दें कि आप सभी को पता है कि 70% से भी अधिक पानी है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कि है वो है समुद्र। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि समुद्र में भी एक छोटे छोटे टापू होते हैं जहाँ पर लाइट हाउस बने होते हैं। लाइट हाउस यानी कि बड़े बड़े जहाज़ों को मार्गदर्शन कराने के लिए ये सबसे बेस्ट होता है। जी हाँ, जिसे हम लोग मिडिल ओशन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर बात करें कि आखिर यहाँ पर कौन रहता होगा, तो चलिए हम इसी बारे में आज पूरा चर्चा करने वाले। मैं हूं चंदन गुप्ता और आप आ गए हैं चंदन गुप्ता के चैनल पर। तो बिना देर करते हुए वीडियो को लाइक के साथ, कमेंट और शेयर के साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको बता दें कि मिडिल ओशन में कहीं जगह पर लाइट हाउस बने होते हैं जहां पर बड़े बड़े खंभे की तरह घर बना होता है। हर लाइट हाउस में आदमी होता है, जो भी व्यक्ति वहां रहता है उसको लगभग 46 लाख रुपये तक की सैलरी मिलती है। उनको स्पेशल ट्रेनिंग मिलता है, स्पेशल चीज़ें मिलती हैं और वहाँ पर समय समय पर जहाज़ों के माध्यम से खाना भी पहुँचाया जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि ये लाइट हाउस बड़ा ही खतरनाक जगह होता है जहाँ पर आपको एक सुनसान जगह पर अकेले एक टापू पर रहना होता है। और ये ज़्यादातर समुद्र के बीचों बीच ये ज़्यादातर या कहीं कहीं टापू के पास भी होता है, जो कि अगर जहाज़ गुम हो जाता है या उसे लोकेशन पता नहीं चल पाता है, सिग्नल मिल नहीं पाता है, तब ऐसे टापू वाले ही उनकी मदद करते हैं। जी हाँ, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई बातें और कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।